राज्य महिला आयोग सदस्य कुमुद श्रीवास्तव का कन्नौज दौरा, वृद्धाश्रम का किया निरीक्षण, बुजुर्गों से लिया हालचाल, जिला अस्पताल में 11 नवजात बच्चियों को बताया देवी का रूप और किया सम्मानित। कन्नौज में दौरे पर है राज्य महिला आयोग सदस्य कुमुद श्रीवास्तव। तीन महीने में 1500 रुपया यानी 500 रुपया महीना, ठीक है। तो आपके खाते में समय से पैसा आ जाता है? एक बिटिया कहाँ रहती है? अच्छा, बेटा क्या करता है? अब यहाँ पे आते हैं तो सारा समय कैसे काटते हैं? अब यहाँ तो बड़ी सुविधा सब नहीं है। सुविधा कैसी चाहते हैं? नहीं ना, मैं क्या अपन तो कहते ये सर आते ना, कोई यहाँ कमी नहीं रहती। आप ये बताओ 1947 में याद है? किसको किसको याद है जरा हमें बताए? सब पंक्ति बंद कर दो, एक चल दूंगा, बीस को नहीं सबको टेंशन ना पड़े। जो हमारा अंग्रेजों से जब छुटकारा मिला था वो कैसे मिला था, किसको किसको याद है हमें ये बताए। नवजात बच्चियों का सम्मान किया गया है किस नवजात बच्चियों का सम्मान किया गया है किस योजना के तहत और कितनी बच्चियां थी आज? ये नवजात शिशुओं का जो हमारी बच्चियां हैं इनका स्वागत किया गया है। हमारी सरकार पुनः बारंबार ये कह रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब बेटियां मेरी बचेंगी तभी तो पढ़ेंगी। तो बेटी की सुरक्षा करना, बेटी को बचाओ और बेटी पढ़ाओ, शिक्षक भी होनी चाहिए, उनको शिक्षित करने के लिए सरकार ने बहुत सी योजनाएं दी हैं। जन्म के पास ही में जन्म होते सुमंगला कन्या योजना का ऐसा योजना दी है कि जो जन्म से और पढ़ाई तक, पढ़ाई के बाद ब्याह के लिए भी सरकार ने इनको पैसा दे रही है और कहीं भी ये महसूस नहीं होने दे रही है कि कन्या हमारी कहीं से कमजोर है। वो उसको स्वावलंबी बनाने के लिए हमारी योजनाएं बहुत चल रही हैं जो कि आत्मनिर्भर महिलाओं को बना रही है हमारी सरकार। तो ये एक हमारे लिए प्लस पॉइंट है कि हमारी सरकार हमको स्वावलंबी बना रही है, सुरक्षा का साधन प्रदान कर रही है, सम्मान के लिए हमें जीना सिखा रही है। ये हमारे लिए गौरवशाली बात है, गौरव का विषय है और हम समझते हैं कि सभी माताएँ ये समझ लें कि हमारी नवरात्रि में ये हमारी नौ देवियाँ वही एक शक्ति का रूप है जो माँ भगवती के रूप में इसने जन्म लिया है और हम सबको सम्मान इसका करना चाहिए। मैं आदर के साथ में इसका सम्मान करती हूँ, अपनी सरकार को बारंबार धन्यवाद देती हूँ जो हमारी महिलाओं के विषय में अच्छा विचार मन में रखते हैं और अच्छा संवाद करते हैं। मैं ऐसी सरकार को नमन करती हूँ। निरीक्षण में जैसा कि मैंने पाया कि यहाँ पे वृद्धा आश्रम में ऐसे वृद्धा दिखाई दे रहे हैं जो कि हमारे ख्याल से 56, 60, 62 की उम्र की महिलाएं और ज़्यादा उम्र नहीं दिख रही है, और लेकिन इनके जो बच्चे भी हैं 4-4, 5-5 लड़के हैं और वो यहाँ पे हैं, देवरानी जिठानी हैं, पति पत्नी हैं। और मुझे आज अफसोस लगता है कि ये देखना पड़ता है कि हम वृद्धा आश्रम में एक महिला है जिसकी वास्तव में परिवार का कोई भी किसी प्रकार का व्यक्ति नहीं है, ना बेटा है, ना बेटी है, ना नाती है, ना पोता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए वृद्धा आश्रम हमें बड़ी सफलता देता है और ऐसों का सहयोग हमारा करना भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब हमारे परिवार के अगर 8-10 बच्चे हैं, हमारे परिवार में बहू की सास से निपट रही या सास की बहू से निपट रही, इसके मतलब कहीं हमारा संस्कार में कमी है। हमें चाहिए कि हम उन बच्चों को बैठा करके सही राह दें, क्योंकि जब कोई एक ईंटा जोड़ता है उस ईंटे में अपनी आस लगा बैठता है कि ये ईंटा मेरा है और मेरे परिवार के लिए है,
तो वो बच्चे आज हमें क्यों नहीं पूछ रहे हैं। ऐसे में माता पिता को चाहिए कि बच्चों को समझाएं, सही राह दें। कहते हैं साध यति संस्कार भारती भारते नवजीवनम, ऐसा हमारा होना चाहिए, संस्कार आवश्यक है। पेंशन के लिए मैंने देखा कि कुछ लोगों को तो पेंशन मिल रही है और लगभग वो सभी पात्र हैं जिनको पेंशन मिल रही है। बराबर यहाँ पे ब्लड का भी जांच हो रहा है, ब्लड भी सही है और 15 दिन बाद जांच होती है, वो सारी चीज़ें सही हैं। लेकिन एक चीज़ हम बार बार फिर भी यहाँ से कहेंगे कि किसी समय ऐसे जो हमारे बच्चे नालायकी कर रहे हैं उन बच्चों को बैठाएं और उनके साथ में बैठ करके प्रेम भाव से बात करें कि हम अपने माता पिता को वृद्धाश्रम तक ना जाने दें, ऐसा हम चाहते हैं।